पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत धनबाद कोचिंग यार्ड में गुरुवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जाता है कि धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप कोचिंग यार्ड में 6 कोच खड़े थे, जो अहले सुबह अचानक पुराण बाजार की ओर से पटरी पर रेंगने लगी, जिसे देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। परंतु गनीमत रही कि कुछ दूर जाने के बाद 6 बोगियों में से 2 बोगियां बेपटरी हो गई, जिससे सभी कोच रुक गए। वही घटना की सूचना पाकर रेलवे के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बोगियों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। जबकि रेलवे सूत्रों का कहना है कि घटना को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो दुर्घटना के बाबत जांच कर रेलवे को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि घटना में किसी प्रकार के जानमाल की कोई नुकसान की सूचना नहीं है, न ही किसी प्रकार की कोई बाधा हुई है। वहीं सीनियर DCM अखिलेश पांडे ने दूरभाष पर बताया कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं और न ही किसी प्रकार की कोई बाधा है। क्या घटना घटी, आपने क्या देखा? सुबह में वही 4:50 या 55 में हम जब जा रहे थे दुकान, तो जी किस तरफ से आ रहा दोहरा करके, क्या आ रहा था बोगी, तो पब्लिक में हड़कंप मच गई क्या? हड़कंप तो मच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सब इधर उधर भागने लगा जी। उसके बाद उधर से लोहड़ने के बाद यहीं पे आके ब्रेक मारा, रुक गया, मतलब ऑटोमेटिक रुक गया यहाँ पे। तो आप लोग उस टाइम कहाँ पे थे? उस टाइम यहीं पे थे, आगे में यहीं पे थे आप लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरा। धनबाद से स्वदेशवाणी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।